बहुत पुरानी बात है, श्री महाराज जी जगतगुरु नहीं बने थे, छोटी सी उम्र थी, महाराज जी कीर्तन कराते थे मथुरा में। महाराज जी अपने एक सत्संगी जो उस जमाने में जज थे, महाराज जी की उम्र 20-22 साल और 50 साल 60 साल आप लोगों ने नाम सुना होगा, पंडित कैलाशनाथ काटजू, ये सब पंडित नेहरू के समसामयिक थे, ये सब महाराज जी के सत्संगी। और महाराज जी की उम्र 18-20 साल, 60 साल वाले 65 साल वाले महाराज जी के सत्संगी। संकीर्तन का इतना आकर्षण था तो जज साहब के घर में महाराज जी ठहरे हुए हैं, सत्संग हो रहा है, सत्संगी लोग सवेरे पहुंच जाते थे और 5 से 8 बजे तक कीर्तन होता था, सत्संग होता था, फिर चले जाते थे ऑफिस वगैरह दुकान वगैरह, फिर शाम को एकत्रित हो जाते थे 4:30-5 बजे, फिर 10-11 बजे तक कीर्तन चलता था। तो कीर्तन चल रहा है, अचानक वो जज साहब थे, उनके छोटे भाई उस जमाने में कलेक्टर थे, वो आकर पहुंच गए। ये जज साहब जो थे महाराज जी के प्रकांड अनुयायी, और उनके जो छोटे भाई परम नास्तिक, उनको देखकर ये जज साहब का दिमाग खराब हो गया, ये तो गाली ही बकता है, मानता नहीं है, प्रकांड नास्तिक है, कहां टपक पड़ा। अब वो कलेक्टर साहब जो है गुस्से से, महाराज जी कीर्तन करा रहे हैं, बरामदा में टहल रहे हैं, अब महाराज जी अपने कीर्तन में विभोर हैं और जज साहब की नजर वहां। कुछ समय कीर्तन सुनने के बाद वो कलेक्टर साहब जो थे वो बैठ गए, उनके बड़े भाई साहब को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, पता नहीं क्यों बैठ गया, अरे आया था, अगर चला जाता छुट्टी मिलती, बैठे बैठे कुछ सोचता होगा, कुछ साजिश वगैरह करता होगा, ये परेशान होकर बार बार वो कलेक्टर साहब की ओर देख रहे हैं। फिर कीर्तन समाप्त हो गया, सत्संगी लोग लाइन बुलाकर महाराज जी को प्रणाम करने लगे, जल्दी जाएंगे, फिर सवेरे पहुंच जाएंगे। अब जज साहब परेशान हो रहे हैं, ये लंबी लाइन लगी सत्संगियों की और उनके छोटे भाई साहब भी वो लाइन में सम्मिलित हो गए। अब तो उनको पक्का हो गया मामला तो कुछ गड़बड़ाएगा, सब लोग झुक कर चरण छू कर प्रणाम कर रहे हैं। जब वो कलेक्टर साहब की बारी आई, वो झुकने से पहले महाराज जी झुक कर उनके पैर छू लिए, वो पीछे हट गए और बोलने लगे, महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं? महाराज जी ने कहा, क्यों? अरे आप इतने बड़े त्यागी हैं, हम तो घोर संसारी हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाल बच्चे हैं, आप हमारा पैर छू रहे हैं, पाप चढ़ा रहे हैं। महाराज जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ,
हमने क्या त्याग किया? आपने संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। महाराज जी ने कहा मैं त्यागी हूं। अरे त्यागी तो आप हो। उन्होंने कहा हमने क्या त्याग किया, नौकरी करते हैं, घर में बाल बच्चे हैं। महाराज जी ने कहा अरे आप तो इतने बड़े त्यागी हो, मैंने क्या त्याग किया? संसार, ये तो एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर तत्व ज्ञान से कोई नहीं छोड़ेगा तो यमराज ठीक समय पर व्यवस्था कर देगा, वो छोड़ना ही पड़ेगा सबको। कोई तत्व ज्ञान से छोड़े, कोई मजबूरी से। हमने क्या छोड़ा? तो उन्होंने पूछा हमने क्या त्याग किया, हम तो घोर संसारी है। उन्होंने महाराज जी ने कहा अरे आप तो इतने बड़े त्यागी हो, महान त्यागी हो, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने हम लोगों को बनाया, आपने उस भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही इस प्रकार महाराज जी ने कहा, वो कलेक्टर साहब महाराज जी के चरणों पर गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। और उसी जन्म में अपने बड़े भाई साहब को कहीं पीछे छोड़कर बहुत तेजी से इस मार्ग में निकल पड़े।